खबर उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में शादी करना हमारे देश के धरना सेठों के लिए फैशन सा बन गया है। मैं देश के धरना सेठों से कहना चाहता हूं कि जब जोड़ी ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपनी जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेशों में जाकर के क्यों करता है। उद्यमियों से कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल में अपने परिवार की एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए। 1 साल में 5,000 शादियां भी यहां हो गई तो नया सामर्थ्य पैदा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए और यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। मैंने मन से संकल्प ले लिया है, हिमालय परियोजना से इस संकल्प में फायदा मिलेगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप लोग भी लोकल उत्पादों की पहचान करें ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। एक्सपोर्ट आधारित मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाएं इस पर भी फोकस करना हमारा काम है। उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम आपका संकल्प करता है।